क्वेश्चन नंबर 88 है, एक वस्तु 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। गौर कीजिएगा 88 क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक वस्तु 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जब बेचा जाए तो विक्रय मूल्य तो हमको दिया है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना विक्रय मूल्य दे रखा है, 144 रुपये आपको विक्रय मूल्य दिया है। और इसमें एक कंसेप्ट है जो सबसे अच्छा है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। अगर यह लाइन अगर दिख जाए आपको, क्या दिख जाए कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो, क्रय मूल्य का, तो और आपसे पूछा क्या जाए, क्रय मूल्य पूछा जाए, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बनाने का कि 10 प्लस और यहाँ पे 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, और उसका अंडर रूट और माइनस 50। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, लेकिन यह फार्मूला तभी चलेगा जब आपका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो जाए, क्रय मूल्य के बराबर हो जाए और क्रय मूल्य पूछा जाए। तो अब यहाँ पे गौर करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 25 प्लस माइनस, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 144, यहाँ माइनस तब चलता जब इससे यह मान छोटा होता, तो ये तो मान बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कौन चलाना पड़ेगा, प्लस चलाना पड़ेगा और माइनस 50 यानी 10 गुने ये कितना हो जाएगा 169, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 13 और यहाँ पे 50 यानी 130 घटे 50 यानी आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह कितने रुपया का हो जाएगा, 80 का। एक बार फिर से इसको गौर कीजिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे दे और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान हमेशा क्रय मूल्य के बराबर दे, ये लाइन याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो जाए, क्रय मूल्य के, तब क्रय मूल्य पूछे, तब आप इस फॉर्मूला को लगाए। बेजान ट्रिक है ना, बेहतरीन। तो चलिए इसको देखा जाए और आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।